बिंदी ओब कले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा तो कौन रे मैं जीना मा तो कौन रे मैं जीना मा पिंदी ओब कले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा पिंदी ओब कले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा ये शब्द भगत नामदेव जी का है। भगत नामदेव महाराष्ट्र विच पैदा होए जेड़े के जात दे छिंबे सन कपड़े सीने ते रंगने इन्हां दा काम सी। 60 दे करीब इन्हां दे शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज हन जिथे असी गुरु नूं मत्था टेकने हां। भगत नामदेव नू भी असी नमस्कार करते हैं। भगत नामदेव जी का यह शब्द उस वक्त का उचारिया होया जदों नामदेव जी नू पंडिता ने मंदिर दे विचों कुट के ते बाहर कढ दिता। भगत जी अपनी बाणी विच आप बयान करते हैं। पिंदी ओब कले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा पिंदी ओब कले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा पिंदी उब कले संसारा पिंदी क्या है खूह दिया टिंडा नू जिस तरह खूह दे विच खूह दिया टिंडा घूमदिया हन इसे तरह ही भगत जी कह रहे ने ऐ परमेश्वर पिंदी दी तरह मैं भी घूमदा घूमदा भटकदा भटकदा सारा संसार घूम के ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा मैं तेरे द्वारे ते आया सारी दुनिया घूम के पिंदी ओब कले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा पिंदी ओब कले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा तो कौन रे मैं जीना मा जिस तरह किसी दे घर दे अगे कोई भिखारी चला जाए ओ बुआ खड़कांदा है आवाजा मारदा है
ते घर वाला उस भिखारी दी आवाज सुन के कहंदे कौन है तू क्यों आवाजा मारना है तैनू की चाहिदा है ते नामदेव जी जदों ये कहंदे ने कि मैं भ्रमदा भ्रमदा तेरे द्वारे ते आया है परमेश्वर ते अगू परमेश्वर कहंदे ने तू कौन रे ऐ भाई तू कौन है जिहड़ा इन्नियां अरदासां पिया करदा है ते भगत नामदेव जी हाथ जोड़ के कहंदे ने मैं जी नामा मैं नामदेव हाँ तुहाडे द्वारे ते जिहड़ा आया तू कौन रे मैं जी नामा तू कौन रे मैं जी नामा पिंदी उपकले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा पहल पूरी पुंडकवना ताचे हंसा सगले जना पहल पूरी किसे कोलों कोई चीज लेनी होवे ता पहला ओदी सिफत करनी पैंदी भगत नामदेव उस परमेश्वर दी सिफत करदिया होया के सारिया तू पहला ऐ परमेश्वर पहल पुरिये पुंडरक वना विष्णु भगवान दी नाभ कमल तो हंसा ब्रह्मा जी नु कहे ब्रह्मा जी पैदा होए ते ब्रह्मा जी तू बाद सगले जना ए बाकी दी दुनिया पैदा होई पहला परमेश्वर फिर विष्णु विष्णु दी नाभ कमल तो हंसा ब्रह्मा ते ब्रह्मा जी तो बाद बाकी दी दुनिया पैदा होई पहल पूरी पुंडकवना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना कृष्णा माया नु के कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना के माया दा पसारा जिड़ा है ए भी बहुत है ते माया जिड़ी है अपनी प्रभाव दे नाल दुनिया दे जीवां नु नचांदी फिरदी है कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पिंदी उपकले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा पिंदी उपकले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा
पहल पूरी सा बिरा अथोन पूरे सा दमरा। पहल पुरुषा बिरा अथोन पुरुषा दमरा। पहल पुरुषा के सारिया तू पहला ओ पुरख परमेश्वर, बिरा अथोन पुरुषा दमरा के पहला उस पुरुष तू बाणी अते बाणी तू बाद दमरा। इस प्रकृति नु के उस तू बाद ए सारी प्रकृति पैदा हुई। पहल पुरुषा बिरा अथोन पुरुषा दमरा। असगास उसगा हर का बगरा चे पिंदी में सागरा। असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंदी में सागरा। पिंदी खूह दी टिंड नू के है सागरा पानी नू के। जिस तरह खूह दी टिंड विच पानी खेड़दा है ऐसे तरह असगा अस उसगा ए सारी दुनिया हर का बागरा उस हरी परमेश्वर दे हथां विच खेड़ दी। जिस तरह ओ चांदा है दुनिया नू उसे पासे ही ओ ला लैंदा है। असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंदी में सागरा। पिंदी उपकले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। पिंदे उपकले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। पिंदे उपकले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। नाचंती गोपी जन्ना नैयाते बैरे करना। नाचंती गोपी जन्ना नैयाते बैरे करना। ये जिन्नी भी दुनिया है हर इंसान उस परमेश्वर दे हुक्म विच नचदा है। बैरे करना ओदे तू बाद उस परमेश्वर दे हुक्म तू बार कोई भी नहीं। नाचंती गोपी जन्ना नैयाते पैरे करना। तर्क नाचा ब्रह्मियाचा केशवाब चौनी आइए मैये। तरकुनाचा प्रमियाचा केशवा बचौनी आइए मैये। ए परमेश्वर परमां दे विच फसे होए नू केशवा के है उस परमेश्वर नू बचौनी इना परमां तू मैनू बचा लै। तरकुनाचा
प्रमी आचा केसवा बचौनी अये मैये एक आन जियो। मैं सब कुछ छड़ के एक आन तेरी शरण विच आया। तरकुना चा प्रमिया चा केसवा बचौनी अये मैये तरकुना चा प्रमिया चा किसवा बचौनी अये मैये एक आन जियो। पिंदी ओब कले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। पिंदी ओब कले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। तो कुन रे मैं जीना मा तो कुन रे मैं जीना मा। पिंदी उब कले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। हो जी अलते निवारणा जम कारणा। हो जी आला ते निवारना जम कारना। पुछिया ऐ नामदेव तू क्यों अरदासा करना है तेनू की चाहिदा। ते नामदेव जी कहंदे ने हो जी आला ते निवारना जम कारना ऐ परमेश्वर जन्म मरण दे गेड़ तू मैनू तू बाहर कर दे। हो जी अलति निवारणा चमकारणा। पिंदी उब कले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। ए शब्द उस वक्त उचारिया जदू पंडता ने भगत नामदेव जी नू मंदिर तो बाहर कढ़ दिता। भगत जी अपनी बाणी विच आप बयान करते हैं कि एक दिन बड़े चा दे नाल बड़े ही खुश मन दे नाल मैं मंदिर वाल तुर पिया। मेरे मन विच बड़ा चा सी कि अज मैं मंदिर विच भगवान दे दर्शन करने वास्ते जाना है। ते तुर भी पिया। भगत जी बयान कर दे हसत खेलते तेरे देहुरे आया। मैं हसदा ते खेड़दा ऐ परमेश्वर तेरे देहुरे तेरे मंदिर मैं आया। हसत खेलते तेरे देहुरे आया। भगत करते नामा पकड़ी उठाया। मैं बैठा तेरे द्वारे भगती कर रहा सा कि मैनू भगती कर दी नू पंडता ने आके कहा ओ नामदेव तू इथू उठ के ते बाहर चला जा। पर भगत जी कहंदे ने
कि मैं ते ऐ परमेश्वर तेरे गुण गा रहा सी। उन्हां पंडतां ने कहा ऐ नामदेव ये तो शूद्र है, ये नीवी जात दा है, ये इस मंदिर विच किवें आ गया। भगत करत नामा पकर उठाया, मैनू भगती करदे नू पकड़ के ते इन्हां ने उठा दिता। हसत खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करते नामा पकरी उठाया। हीनड़ी जात मेरी जात मुराया, है परमेश्वर हीनड़ी जात जे मेरी जात नीवी, जे मैं तेरा नाम नहीं जप सकता ते फिर मैनू तू नीवी जात विच जन्म क्यों दिता। हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया। ले कमली चलियो पलटाए, जेड़े भगत होंदे ने ओ दुनिया नू ते कुछ नहीं कहंदे, पर परमेश्वर दे नाल ही अपनी गलबात करदे ने। पंडतां ने मंदिर विच बाहर कढ दिता ते भगत नामदेव जी ने लै कमली चलियो पलटाए अपनी कमली मोढ़े ते मारी ते मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए। लै कमली चलियो पलटाए, देहोरे पाछे बैठा जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, ते नामदेव मंदिर दे पीछे बह के अखा बंद कर लिया, उस परमेश्वर दे गुण गाण लग पए। ते की होया, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहोरा फिरे, ते ओ जड़ा मंदिर सी ओ हौली हौली घूमन लग पया। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहोरा फिरे, पिंदी उबकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। पिंदी उबकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। तू कुन रे मैं जीना मा, तू कुन रे मैं जीना मा, पिंदी उबकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। भगत नामदेव अखां बंद करके बैठे हुए ने, अरदासां कर रहे ने, की कहंदे ने परमेश्वर नूं। मोको तू ना विसार, तू ना विसार, तू ना विसारे रामैया, है मेरे रमैया। इन्हां पंडतां ने तां मंदिर विचों बाहर कढ दिता है, पर मैनूं तू ते ना विसार, तू तां मेरी गल ध्यान दे नाल सुन। मोको तू ना विसार, तू ना विसार, तू ना विसारे रामैया, पिंदी उबकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्मा।
तुमचे द्वारा। बिंदी उपकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुमचे द्वारा। आलावंती ए ब्रह्म जो है, मुझ ऊपर सबको पिला। ए जड़े पंडित ने आलावंती ए ब्रह्म जो है, इना दे मन विच ए परम है, भुलेखा है कि ए जड़ा मंदिर है ए साडा घर है। ए दे विच सिर्फ ऊंचियां जातां वाले बैठ के ही नाम जप सकदे ने। इस करके मुझ ऊपर सब को पिला, ए सारे मेरे ते गुस्से होए ने। आलावंती ए ब्रह्म जो है, मुझ ऊपर सब को पिला। सूद सूद कर मार उठायो, कहां करूं बाप बीठला। इना पंडिता ने सूद सूद कर मैनू शुद्र शुद्र किया, मार उठायो मैनू मारिया भी कुटिया भी, बाप बीठला ऐ मेरे बीठल मेरे पिता मेरे वाहिगुरु, मैं अपना दुख किन्नू जाके कवां। सूद सूद कर मार उठायो, कहां करूं बाप बीठला। बिंदी उबकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुमचे द्वारा। ब्रह्म ब्रह्म आए तुमचे द्वारा। बिंदी उबकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुमचे द्वारा। बिंदी उबकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुमचे द्वारा। मुए हुए जो मुक्त दोगे, मुक्त न जाने कोयला। नामदेव जी ऐ परमेश्वर, इन्हां पंडितां ने ते मैनू मंदिर विच बाहर कढ दिता, जे मर गए तां मुक्ति मिली, उस मुक्ति दा की फायदा है। मुए हुए जो मुक्त दोगे, मुक्त न जाने कोयला। ए पंडिया मोको टेड कहत। ए पंडित मैनू नीच कहंदे ने, शूद्र कहंदे ने, ते तेरी जड़ी पैज है वो तो फिर पिछे रह जाएगी जे तू हुण ना आया। ए पंडिया मोको टेड कहत, तेरी पैज पछौंडी होएला। तू जो दयाल किरपाल कईयत है। तेनू ते लोकी बड़ा दयाल कहंदे ने, किरपाल कहंदे ने, अत भुज पयो अपारला कहंदे ने, तेरियां बड़ियां बाहां ने, ते तू मेरे जो मेरे नाल होया तू मेरी सार क्यों नहीं लैंदा। तू जो दयाल किरपाल कईयत है, अत पुज पयो अपारला। ए बेनतियां कीतियां ते उस परमेश्वर ने
जेड़ा मंदिर सी वो पूरा ही कमा दिता। उस मंदिर दा मूह नामदेव दे वल हो गया ते जेड़े पंडित सन उन्ना वल पिट हो गई। गुरु साहब जी आसा दीवार विच भी कहंदे ने, हंकारियां निंदका पिट दे नाम दियो मुख लाया। वो जेड़े हंकारी पंडित सन परमेश्वर ने उन्हां नूं पिट दे दित्ती ते नामदेव नूं अपने गल दे नाल ला लिया। भगत जी आप बयान करदे ने, फेर दिया देवरा नामे को पंडियन को पिछवारला, पिंदे उपकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। पिंदे उपकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। नामदेव जी ने अरदास की, परमेश्वर ने अरदास ते तुट के सारा मंदिर ही घुमा दिता। असी लोग भी अरदास करने हैं पर साडियां अरदासा क्यों नहीं पूरियां होंदियां? इस वास्ते कि अरदास ते करने हैं पर अरदास करके फिर दूसरियां दा बुरा सोचने, दूसरियां नाल ठगी धोखा फरेब करने हैं। ते गुरु साहब जी कहंदे ने, लैंदा बद दुआए तू माया करे इकत। माया कठी करना है पर लोकां दियां बद दुआइयां लैना है। जिन्हां दे नाल ठगी कीती ओ गालां कढ़दे ने, बद दुआवां दिंदे ने ते असीस नालों कहंदे ने बद दुआइयां पहलां लगदियां ने। जिन्हां बारे तू माड़ा सोचिया उन्हां तेनू बद असीस दित्ती, उधर तू अरदास कीती ते तेरी अरदास किवें पूरी होवे? आओ विचार करिए, अरदास करके जे किसी दा बुरा सोचिया ते की साडी मंग पूरी होंदी है कि नहीं? भगत नामदेव दे कोल भगत त्रिलोचन जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, ए रोज आया करदे सन। भगत नामदेव दे कोल ए दोनों जने भरा बने हुए सन। भाई गुरदास जी इस गल दी शाख भरदे हन, अपनी पौड़ी विच इउं बयान करदे ने, दर्शन वेखण नामदेव पलके उठ तर लोचण आवे। के रोज उठ के तरलोचन नामदेव दे कोल आया करदा सी। दर्शन वेखण नामदेव पलके उठ तरलोचण आवे, भगत करण मिल दो जने नाम देओ हर चलत सुनावे। दोनों जने बैठ के भगती करया करदे सन, नाम देओ हर चलत सुनावे ते नामदेव उस परमेश्वर दियां कथा कहानियां त्रिलोचन नूं सुनाया करदा सी। नाम देओ हर चलत सुनावे, मेरी पी कर बेनती दर्शन देखा जे तिस पावे। परमेश्वर दियां कथा कहानियां सुन के तरलोचन दे मन विच भी प्यार आ गया। कहन लगा, मेरी भी कर बेनती, ऐ नामदेव मेरी बेनती कर के उस परमेश्वर दे मैनू भी दर्शन होण जिदियां कथा कहानियां तू सुनाना है। मेरी भी कर बेनती दर्शन देखा जे तिस पावे। हस के ठाकुर बोलिया
नाम देव नू कै समझावे। दोनों जने बैठे इकट्ठे ने, नामदेव नू प्रतख दर्शन हो रहे ने पर तरलोचन नू नहीं, क्योंकि ओदी बंदगी नहीं। ते भगवान जिहड़े सन ओ हस पए ते नामदेव नू ए गल कही। हस के ठाकुर बोलिया, नामदेव नू कै समझावे। हाथ ना आवे पेट सो, तुस तर लोचन मैं मोए लावे। है नामदेव, हाथ ना आवे पेट सो, मैं माया दिवस नहीं। तरलोचन बड़ा अमीर है, जे तेनू माया दे के अरदास करावे तो मैं दर्शन नहीं देने। पर एक गल है, हो अधीन हा भगत दे, पहुंच नहंगा भगती दावे। मैं माया दे वस नहीं पर भगतां दे वस हां। जे तू कवे ता मैं नामदेव नू दर्शन दे सकना वा। हो अधीन हा भगत दे, पहुंच नहंगा भगती दावे। होए विचोला आन मिलावे, पिंदी उपकले संसारा। ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। नामदेव कहन लगे, तरलोचन मैं तेरी अरदास कर दिती है, ओ परमेश्वर तेनू दर्शन देवेगा, पर कदों किस रूप विच ए मैं नहीं जानदा। पर तू किसे दा बुरा नहीं सोचना। तरलोचन जी घर चले गए। घर वाली बिरध सी, औलाद कोई नहीं। साधु संत घर बहुत आया करते सन। भगत त्रिलोचन जी दे घरों कहन लगे, स्वामी जी मैं बिरध हाँ, साधु संत बड़े आते नहीं, पूरी सेवा नहीं होंदी, मैनू कोई नौकर रख दिओ ताकि साध संतां दी चंगी तरह सेवा हो सके। त्रिलोचन जी कहन लगे, चंगा, मैं कल नामदेव दी संगत करके फिर तेनू नौकर लिया देंगा। दूसरे दिन नामदेव दी संगत करके त्रिलोचन जी बाजार चले गए। अगे वो भगवान एक गरीब जै लड़के दा रूप धारिया, कपड़े पाटे, पैर नंगे, सिर दे वाल भी खिलरे हुए, पर अखां विच ते चेहरे ते जलाल है, ते मूँह इंज बनाए है जिवें के विकार है किसे काम दी लोड़ है। त्रिलोचन जी झजकदे झिझकदे उस लड़के नूं पुछदे ने, काका मैनू इंज लगदा जिवें तेनू किसे काम दी लोड़ है। ओ भगवान लड़के दे रूप विच कहन लगे, हां भगता, दिल दी बुझी, काम दी लोड़ तां है पर मेरियां शर्तां कोई नहीं मनदा। त्रिलोचन जी कहन लगे, काका अपनियां शर्तां मैनू दस, हो सकदा है तेरियां शर्तां मैं मन लवां। वो कहन लगे, भगत जी पहली शर्त कि मैं पैसा कोई नहीं लेना, रोटी ते कपड़ा लवांगा, मैं काम भी दिन रात करांगा, मैं रोटियां दो खावां चार खावां,
मैनु मजबूर नहीं करना। ते आखरी शर्त कि मेरी निंदिया कोई ना करे। तरलोचन जी कहन लगे, काका तेरिया शर्तां मैनू मंजूर ने, तुर पे। अगे अगे तरलोचन, पिछे पिछे भगवान। ते तुरदिया तुरदिया तरलोचन जी पुछदे ने, काका तेरा नाम की है? ते भगवान कहन लगे, मेरा नाम है अंतर्यामी। क्योंकि सारिया के दिलां दी जानदे ने। घर चले गए। घरवाली नूं कहा, पलिए लोके नौकर बड़ा सस्ता मिले, रोटी कपड़ा लवेगा, जो खावे इनू मजबूर नहीं करना, ते ना ही इहदी निंदिया करनी, एडा सस्ता नौकर लभदा नहीं। भगत जी दे घरों भी खुश हो गए कि एडा सस्ता नौकर मिल गया। बड़े दिन बीत गए। जदों भी कोई चीज मंगता है, अंतरयामी जी फट हाजिर हो जाते ने। दिन रात काम करते ने, इन्नी सेवा की, जिथों जिथों भी कोई साध संत आया, उन्हें तरलोचन की बड़ी सिफत की कि उहदे घर ते बड़ी सेवा होंदी। कोई चीज हाली मंगी नहीं कि पहला हाजिर हो जाती। क्यों? कि ओ भगवान ते अंतरजामी, दिन रात काम करता है, सौंदा भी नहीं। क्यों? सतगुरु जागता है देव, गुरु हमेशा ही जागता रहता है। पिंदी उपकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। पिंदे उपकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। बहुत समा बीत गया। इसे तरह सेवा करते हैं। जिथे तरलोचन की उपमा बार हो रही है, उथे तरलोचन के घर वाले उदास रहन लग पे। चेहरे का रंग भी पीला पैंदा गया। पर भगत जी का हुक्म है कि नौकर की निंदिया नहीं करनी। इस करके उस नौकर की गल ना तो भगत जी नूं दसी, ते ना ही किसी होर नूं दसी। पर दिनों दिन उदास हुंदे गए, अंदरों अंदर घुलदे गए कि मन का दुख किसी नूं दस नहीं सकते। जे दसी तां इह निंदिया हो जाएगी ते नौकर चला जाएगा। भगत जी भी नाराज होणगे ते अंतरजामी का की काम? रोटी खाण बहना, जे दो रखियां ते होर नहीं मंगनियां। जे माता जी बना बना के रखी जांदे ने ते अंतरजामी जी गर्मा गर्म खाई जांदे ने, फिर बस नहीं करदे। हुण ये समझ नहीं आती, ये दो रोटियां खा के रज जांदा है कि भुखा रहिंदा है? जे खवाई जानी आ तां ये नहीं पता लगता कि किन्नियां क खांदा होवेगा। हुण ये नहीं पता ये भुखा रहिंदा है कि रजिया रहिंदा है? जे नौकर भुखा रहे ते साधा संतां दी सेवा कीती भी किसे काम नहीं। पर शर्त ऐसी है कि दो खावां ते मजबूर नहीं करना, जे खाई जावां ते टोकना नहीं। इस चिंता ने भगत तरलोचन जी दे घरों माता जी नूं ऐसी चिंता विच पाया कि इन्हां दा रंग ही पीला पै गया कि किसे नूं कह नहीं सकदे
नौकर नू भी नहीं कह सकते ते मैं करा कि पिंदी उपकले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। पिंदी उपकले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। तो कुन रे मैं जीना मा तो कुन रे मैं जीना मा। पिंदी उपकले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। पिंदे उपकले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। कई दिन बीत गए इसे तरह चिंता विच, ते एक दिन सोचिया के रोज रोज दी चिंता तू चंगा है के देखा ता सही अंतर जामी किन्नियां कु रोटियां खा लेंदे, दस खा लेगा, वी खा लेगा, ती खा लेगा। आज ए नबेड़ा करके ही देखना है। भगत जी दे करो माता जी ने भी सत अठ संतां वास्ते जड़ी वड़ी परात गुन्नी सी आटे दी ओ रख ली, जो सब्जी सुब्जी साधा वास्ते बनाई सी ओ भी रख ली। चौंके विच बैठ गए ते सामने अंतरयामी नू बठा लिया। माता जी ने फैसला कर लिया कि अज मैं अंतरयामी नू रजा के छड़ना। ओ अंतरयामी जी भी चौंकड़ा मार के बैठ गए क्योंकि जानते सन कि अज माता ने की फैसला कीता है। हुण माता नू की पता कि ए ता अंतरयामी, जो मैं मन विच सोचदी हां ए सब कुछ जानदे ने। अंतरयामी जी भी चौंकड़ा मार के बैठ गए ते भगत त्रिलोचन जी दे घरों माता जी भी चौंके विच बह गए ने। हुण माता जी बनाई गए, गरम गरम फुलके बना बना के रखी गए ते अंतरयामी जी गरम गरम छकी गए। माता जी बनाई जांदे ने, अंतरयामी जी छकी जांदे ने। जिन्ना आटा सात अठ साधुआं वास्ते गुन्निया सी माता जी बनाई गए ते अंतरयामी जी सारा ही छक गए। एक पेड़ा रह गया, माता जी नूं गुस्सा चढ़िया, वह पेड़ा चुक के परात दे विच मारिया ते चौंके दे विचों गुस्से नाल भरे हुए उठ के तुर पए ते मन विच कही जांदे ने, मना ए नौकर है, इहदा ढिड है कि खूह। अठ साधुआं दा आटा खा के भी हाली नहीं रजिया, पता नहीं हाली किन्ना क होर इन्हें खाना सी। जे इसे तरह मैं इन्हू रजाण लगा ते सारे पिंड दा आटा इकला ही खा जाएगा। गुआंढण दे कोल जाके बह गए। गुआंढण ने पुछिया, भैन की गल है, तू उदास बड़ी, पर भगत जी दा हुक्म है कि नौकर दी निंदिया नहीं करनी। दो तीन वारी पुछिया, भैन दस तां सही, तेरे चेहरे दा रंग भी पीला पै गया, तेनू जरूर कोई दुख है। कहन लगे, नहीं भैन कोई गल नहीं, पर बीबियां दी आदत होंदी है कि गल जिहड़ी है ना कुदेर कुदेर के पुछ ही लैंदियां ने।
नहीं दासता सही भैन तेनू कोई ना कोई दुख जरूर है। दुख दसन दे नाल हल्का हो जांदा मन ते इन्हां बीबियां दा कुछ सुभा ही ऐसा है कि किन्नी भी गल पड़दे वाली होवे ये कदी ना कदी जरूर दस देंदियां ने, लुका के रख नहीं सकदियां। भावे भगत जी का हुक्म सी पर रहा ना गया, कहन लगे भैन की दसा, भगत जी एक नौकर लियाए सन, कहंदे सन पैसे नहीं लवेगा, रोटी कपड़े ते काम करेगा। पहला तो मैं कोई ख्याल ना कीता, जे दो रोटियां रखनी है दो खा के बस कर देनी, जे रखी जानी है तो बस ना करनी। ते मैं सोचिया कि पता नहीं नौकर भुखा ना रहिंदा होवे, ते अज मैं भी पक्का मन बना लिया कि अज नौकर नू रजा के छड़ना है, ते मैं सामने बठा लिया, देखा तो सही भला किन्नियां क रोटियां खा लैंदा है। ते भैन मैं की दसा, तू सुन के हैरान होवेंगी कि जिन्ना आटा मैं 7-8 साधुआं वास्ते गुन्या सी सारा ही खा गए, सब्जी भाजी वक्री, ते हाले भी चौंकड़ा मार के बैठा सी। हुण पता नहीं इहदा ढिड है कि देगवर, इन्ना अन्न खा गया है ते हाली रजिया नहीं, ते जे 4 दिन होर रहा इसे तरह मैं खवान लगी ते इह ते सारे पिंड दा आटा कल्ला ही खा जाएगा। ए जदू गल की हुण ओह ता अंतरियामी सन, अपनी निंदिया सुनी काली पुरी मोढ़े ते मारी, बूहे खुले ते अंतरयामी जी चलदे बणी। हुण ए ता रब है, रब नू कौन रजा सकदा है, ओ ता रब ही है जिहड़ा सारी दुनिया नू रिजक देंदा है, एक इंसान रब नू किवें रजा सकदा है। शाम पई माता जी अंतरयामी दे बहाने उहदे आसरे ते बाहर बैठे रहे। त्रिलोचन जी घर आए, बूहे खुले चूल्हे ठंडे ने, इन्ने नू माता जी भी आ गए। भगत जी कहन लगे बूहे खुले ने चूल्हे ठंडे, ना अंतरयामी घर ना तू, अंतरयामी किथे? माता जी कहन लगे अंतरयामी ता मैं घर ही छड़ के गई सां, पर अंदर बार तके आ, अंतरयामी होंदा तां लभदा। त्रिलोचन जी समझ गए कि अंतरयामी दी जरूर निंदिया कीती है तां उह चला गया। रात पई सुते ने पाखिया आई, ऐ त्रिलोचन तुसा अरदास करवाई, तुहाडी अरदास ते उठ के परमेश्वर दर्शन देन वास्ते एक नौकर दे रूप विच तुहाडे घर गया, पर तुसी शर्तां ते पूरे ना उतरे, तुसी उस परमेश्वर दी निंदिया कीती ते बिना दर्शन दिते ही परमेश्वर तुहाडे घरों चला गया। त्रिलोचन जी अबड़वा उठ पे, घरवाली नू उठाया, कहन लगे गुवारिये बहुत माड़ा कीता है, उस परमेश्वर दी तू निंदिया कीती जिदे दर्शना वास्ते सारी उम्र तड़फ दे रहे, नौकर बन के घर आया पहचान ना सके, तू बहुत माड़ा कीता, उस परमेश्वर दी निंदिया कीती। ता माता ने मत्थे ते हाथ मारे कि आलेख माड़े ने कि घर आए परमेश्वर दे दर्शन ना कर सके,
ते भगत जी ने कहा जो भी कीता है बहुत माड़ा कीता है, ना दर्शन होए ना घर कोई औलाद ही होई। पर भगत जी कहन लगे फिर भी भागा वाले हैं कि ओ भगवान इन्ना समा साढ़े घर रहा, साढ़े कोल रहा, साड़ा एक घर, साड़ा जीवन फिर भी सफल है। पर अरदास करके जे किसी का बुरा सोचिए ते घर आया परमेश्वर भी चला जाता है। ऐसे करके साड़ियां अरदासां पूरियां नहीं होंदियां, क्यों? गुरुद्वारे मंदरां विच अरदासां ते असीं करने हैं कि भगवान साड़ा एक काम बन जावे, साड़ी ए मनोकामना पूरी हो जावे। पर अरदास करके बाहर निकले, किसी की निंदा कर दीती, किसी नाल ठगी कर ली, किसी नूं धोखा दे दिता, ते ओ परमेश्वर साड़ियां अरदासां साड़ियां बेनतियां फिर किवें सुने जदके साडे मन साफ नहीं। ते जिन्हां ने अरदास करनी है भाई, फिर अरदास करके किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी नूं माड़ा नहीं कहना, सारिआं दा भला सोचना है, तां परमेश्वर साड़ी अरदास सुनेगा। पिंदी उपकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। पिंदी उपकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। तो कुन रे मैं जीना मा, तो कुन रे मैं जीना मा। पिंदी उपकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। पिंदी उपकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। हो जी आलाते निवारना चमकारना, हो जी आलाते निवारना चमकारना। पिंदी उपकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। पिंदी उपकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा। ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम चे द्वारा, ब्रह्म ब्रह्म।